नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल लोकसभा का इलेक्शन अभी भी जस्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने जो टीएमसी को पटकनी दी, अभी तक लोगों को हजम नहीं हो रहा कि आखिर इतने मार्जिन से कैसे हारा। आज भी लोग समझ नहीं पा रहे कि टीएमसी के हार इतनी ज़्यादा वोट से कैसे हो गई। आज हमारे दरमियान कुलटी के महिला सेल के वर्किंग प्रेसिडेंट ममिता जी है, आइए उनसे जानते हैं कि आज टीएमसी क्यों हारे। हम लोगों ने देखा कि जो टीएमसी यहाँ पे हार गई, जब आपने सुने कि हार गई तो कैसा लगा आपको? शॉक्ड, पूरा एकदम मतलब शॉक्ड हो गए थे। मतलब बहुत खराब लगा था कि इतना खटे, इतना मतलब लेबर दिए, फिर भी ऐसा रिजल्ट। हम लोग आशा नहीं किए थे कि ऐसा रिजल्ट होगा। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट थे कि मनमोहन सिंह जीतेगी। ये जो टीएमसी हारी, कहाँ पे चुप हो गया? हमको लगता है कि देखिए, हम लोग तो पूरा खटे, अपना ब्लॉक से जितना हो सके दे दिए, वार्ड से पूरा खटे। फिर भी हमको लग रहा है कि इसका मुख्य दो कारण है। एक है गोष्ठी द्वंद, जिसके कारण मतलब एक एक वार्ड में मतलब गोष्ठी द्वंद, इसका साथ उसका, हाँ, इसका साथ उसका, उसका साथ उसका, जो मनमलिन अनबेन था, इसी एक मुख्य कारण था। एक नंबर, और दो नंबर कारण उन्नयन का मतलब डेवलपमेंट का देख के वोट नहीं हुआ। ये वोट हुआ है ओनली धर्म देख के, कि सेंट्रल का वोट है, धर्म देख के वोट हुआ पूरा। ये अगर डेवलपमेंट का वोट होता तो हमको पूरा विश्वास है हम लोग का ममता दीदी जीतती, हम लोग का मुनमुन सेन जीतता जीतती। अच्छा, यहाँ से अब तो टीएमसी हार गई है, अब क्या लगता है फ्यूचर में अब टीएमसी क्या करे जो हर वार्ड से फिर उसको लीड मिले? फ्यूचर में थोड़ा सा उन लोग को मतलब संगठन बढ़ाना होगा। एक नंबर, संगठन को ऊपर जोर देना है। और हम एक बात बोलना चाहते हैं बार बार, मतलब कि महिला लोग, लेडीज लोग जो काम कर रही है उसको पूरा आज़ादी दे। जैसे हम लोग को एमएलए लेडीज लोग को इंटरफेयर नहीं करता है, लेडीज लोग का ऊपर मतलब हम लोग को, महिला जितना वर्कर्स है, महिला जितना लीडर्स है, सबका ऊपर एमएलए का फेथ है, एमएलए का एक विश्वास है कि तुम लोग का ऊपर छोड़ दिया, तुम लोग जो काम करना है करो। ऐसा ही विश्वास हम लोग का काउंसिलर्स को, हम लोग का लोकल नेता को भी हम लोग का ऊपर रखना चाहिए। हम लोग का खुले हाथ छोड़ देना चाहिए कि तुम लोग अपना मन से संगठन करो, अपना मन से तुम लोग पार्टी को डेवलपमेंट करो। अगर इसका बाद एक एक मतलब बूथ का, एक एक महिला को, एक एक वार्ड का, एक एक महिला को जो दायित्व दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसका वो लोग जो ऐसे काम कर रही है उसका ऊपर हस्तक्षेप ना करें। अगर महिला लोग को खुला में खुला हाथ मतलब छोड़ देना कि तुम लोग अपना तरह से संगठन बढ़ाओ, तो इससे ज़्यादा लीड आएगा और हम लोग पूरा मतलब बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग लीड दिलाएंगे कुलटी से। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा फैक्टर किया। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम बार बार करके हम मेरा उच्च नेतृत्व को जो है उसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जल्द से जल्द फिर से चालू करें, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा मैटर किया। जो लोग टीएमसी के पार्टी का महिला का मतलब वर्कर्स है, वो लोग थोड़ा सा मतलब मन में वो लोग का भी असंतुष्ट हो गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काहे चालू नहीं हुआ, हम लोग इतना खटे, इतना ये किए, काहे नहीं साइन हुआ, काहे नहीं हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप हो रहा है। इसके कारण बहुत महिला का अंदर अंदर गुस्सा हो गया था। ये जो हार हुआ, कहीं ऐसा नहीं लगा कि काउंसिलर सब ओवर कॉन्फिडेंस थे? काउंसिलर्स लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब देखिए काउंसिलर्स लोग को सब तो मेरा सीनियर है, वो लोग अपना अपना वार्ड से अपना अपना काम किया, किंतु काउंसिलर्स लोग का साथ, काउंसिलर्स लोग को एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम अपना अपना वार्ड में जो लेडीज जो जिसको उज्ज्वल दा इलेक्ट मतलब सिलेक्टेड किया, अपॉइंट किया अपना एक एक वार्ड में, एक एक पोस्ट में, जिसका ऊपर उज्ज्वल दा फेथ रखा, जिसका ऊपर उज्ज्वल दा हम लोग का एमएलए विश्वास रखा, उन लोग का ऊपर काउंसिलर्स भी विश्वास रखे, उन लोग का कोई भी काम में काउंसिलर्स हस्तक्षेप ना करे। जैसे हम लोग का राजूदा कभी मतलब हम लोग का काम पे हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है, हम लोग का एमएलए आपके अच्छा जो है। सीएम, उसका इतना डेवलपमेंट जो काम था उसको लोगों ने क्यों नकार दिया? धन
खाली एक ही सबका बोली है एक ही बात कि ये सेंट्रल का वोट है मोदी को लाना है, ये सेंट्रल का वोट है हिंदू मुस्लिम का बात है मोदी को लाना है, यही बात सबका मुख पे है। हाँ काउंसिलर्स वोट में हम लोग जिताएंगे, हम लोग काउंसिलर वोट में डेवलपमेंट देखेंगे, काउंसिलर वोट में हम लोग ममता बनर्जी को देखेंगे, काउंसिलर वोट में हम लोग उज्ज्वलता को देखेंगे, किंतु ये सेंट्रल का वोट है मोदी को वोट देंगे। धर्म का नाम पे हुआ, ये हाल में पुलवामा कांड हुआ उसका भी इफेक्ट हुआ, ये सब बहुत कोई रीजन है। फिर जय श्री राम, जय श्री राम तो हम लोग भी तो हिंदू है, हम लोग तो जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय महामाया बोलते हैं, जय महाकाली बोलते हैं, तो क्या बोले। तो आने वाला दिनों में क्या लगता है भाई, अब जो इलेक्शन में जो डेवलपमेंट जो काम करेगा वो हार जाएगा? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी हारेगी या ममता बनर्जी का पार्टी का कोई कैंडिडेट हारेगी। हम लोग को हम बार बार करके एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का डेवलपमेंट देखिए, धर्म मत देखिए, एकदम धर्म मत देखिए, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट देखिए। ममता बनर्जी का डेवलपमेंट अगर देख के वोट हुआ, न्यूट मतलब निरोफेक को वोट हुआ, तो एकदम हम लोग का दीदी जीतेगी, हम लोग का जितना टीएमसी काउंसिलर्स है वो जीतेगा, एंड हम लोग का जो मेरा तो उज्ज्वला तो है ही, उज्ज्वला तो जीतेगा ही जीतेगा। तब अंदर अंदर क्या बोले, अंदर अंदर एक तो इसका साथ उसका गोष्ठी द्वंद, उसका साथ उसका गोष्ठी द्वंद। लोगों को हम लोग ने देखा कि वो टीएमसी का झंडा लिया लेकिन काम प्रचार प्रसार बीजेपी तक के लिए किए, उसके लिए क्या कहना? उसके लिए कहना कि कुछ जैसे कुछ टीएमसी का वोट चला गया, ये वोट से पहले वो प्रचार हो गया था चारों ओर कि पोस्ट से हटा देगा, जो जो पोस्ट में है पोस्ट से वार्ड प्रेसिडेंट या काउंसिलर्स का टिकट नहीं मिलेगा, ये सब जो हल्ला हुआ था, तो इसी बात में उन लोग जो लोग अंदर मतलब इसका मतलब जो पर्सनल जो दुश्मनी निकाला बहुत कोई, और बहुत कोई सीपीएम का जो वोट है वो तो स्प्लिट कर गया आपका बहुत क्या मैक्सिमम मैक्सिमम सीपीएम का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा, पूरा बाम हो गया राम में कन्वर्ट, पूरा बामपंथी राम में कन्वर्ट हो गया, पूरा एकदम सीपीएम का पूरा वोट ही चला गया, स्प्लिट कर गया टीएमसी का, टीएमसी के अगेंस्ट बीजेपी। हम लोग देखते दो पार्टी बचे के, टीएमसी और एक आपका बीजेपी। हाँ, मेरा टीएमसी, आपका बीजेपी और टीएमसी। सीपीएम क्या खत्म हो गया यहाँ से? सीपीएम तो एकदम पूरा पूरी भारी, सीपीएम लोग का लोग सब बीजेपी गया, बीजेपी में चला गया, और टीएमसी बीजेपी मतलब ये भेस हो गया, टीएमसी अगेंस्ट बीजेपी। मैंने आपको क्या लगता है ये जो वोट हुआ इसमें सीपीएम वाला ही पूरा बीजेपी को वोट दिया? सीपीएम वाला पूरा बीजेपी को वोट दिया, और कांग्रेस वाला भी हमको लग रहा है कि बीजेपी को ही वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस वाला भी एक ही सीट मिला अधिक चौधरी, बाकी तो सब पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा स्प्लिट हो गया बाबुल सुप्रियो, मतलब बीजेपी में पूरा महागठबंधन हो गया था ममता बनर्जी को हराने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरा बंगाल में पूरा एक तो गेम प्लानिंग हो गया था, जो हम लोग समझ नहीं पाए, जो हमारा दीदी समझ नहीं पाए, बहुत बड़ा बेमानी हुआ ये, किंतु हम लोग आशा रखेंगे कि धर्म का नाम पे वोट हुआ, यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट नाम पे कर पाओगे आप लोग? हाँ कर पाएंगे, रिकवरी हम लोग कर पाएंगे। कैसे कीजिएगा? कैसे रिको, संगठन का ऊपर जोर देना है कुछ, मतलब हम लोग का देखिए, हम लोग तो आसनसोल का बेल में है, वहाँ बड़ा बड़ा नेता लोग बैठा है कलकत्ता में, कलकत्ता का वो लोग और ज़्यादा मतलब हमसे वाइज है उन लोग को, कि तो हम लोग जो आसनसोल में देखेंगे और हम लोग को जो कुल्टी में देखना है पूरा दम से हम लोग लड़ जाएंगे, और हम लोग को है कि हम लोग का एकदम पूरा विश्वास है कि हम लोग का पब्लिक हम लोगों से ये वाला धर्म का नाम पे वोट हुआ, किंतु हम लोग का जब टीएमसी का वोट होगा सब कोई टीएमसी में वोट देगा। आप लोगों ने 28 वार्ड कुलटी में 28 काउंसिलर 25 वार्ड हारा, 3 वार्ड जीता, काउंसिलर इलेक्शन में क्या होगा? काउंसिलर वास में 28 के 28 हम लोग लाएंगे, ये हम एकदम पूरा चैलेंज करके बोल सकते हैं, काहे कि ये धर्म का नाम पे वोट हुआ इसीलिए बाबुल सुप्रियो को वोट मिला, लास्ट टाइम भी मिला था कि फिर क्या हुआ, फिर तो सब लास्ट टाइम विधानसभा 2014 में उज्ज्वला कैसे 8 वोट से जीता, अप्रोक्स 30,000 वोट से हम लोग को कुलटी से लीड हुआ, काउंसिलर्स कितना हुआ, 22 से ज़्यादा काउंसिलर्स हम लोग को लीड किया, किया कि नहीं, तब आइंदा भी हम लोग ही लीड करेंगे, एकदम पूरा विश्वास है हम लोग का टीएमसी जीतेगा। टीएमसी का चेंज होना चाहिए, ये तो हम लोग का एमएलए समझेगा, वो तो उतना ऊपर तो वाला हाँ ऊपर नेतृत्व तो, उच्च नेतृत्व तो जो हम लोग का है हाई कमांड वो लोग समझेगा, किंतु तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जब तक हम लोग पार्टी में है, टीएमसी पार्टी में है, तब तक हम लोग उज्ज्वलता का साथ है, उज्ज्वलता हम लोग का ऊपर बहुत आस्था रखा है, भरसा रखा है, हम लोग उज्ज्वलता का भरसा मतलब पूरा मैंने पूरा पूरी जी जान लगा देंगे कि टीएमसी जीतेगी। यहाँ से जीतने के बाद अब बोल रहा है कि मेयर हम लोग को होगा, बीजेपी का मेयर होगा आसनसोल का, क्या लगता है वो लोग मेयर कर पाएगा? और सब कोई तो बोलने के लिए सब कोई कुछ भी बोलेगा, हाँ वो बोलेगा हम लोग सीएम होंगे, वो बोलेगा कल ये होगा, बोलने के लिए बोलने दीजिए ना, किंतु हम लोग तो जानते हैं कि ये धर्म का नाम पे वोट हुआ, ये एकदम पूरा पूरी सेंट्रल में धर्म का नाम पे वोट हुआ इसलिए बाबुल सुप्रियो जीता, किंतु ओरिजिनल जब वोट होगा काउंसिलर वोट विधानसभा वोट होगा तब हम लोग का टीएमसी जीतेगा, और हम लोग का टीएमसी का ही मेयर होगा, ये एकदम आप देखते रहिए, मिला लीजिए आप।
कि लास्ट 2014 में हम लोग देख चुके हैं और हम लोग पब्लिक का साथ मिसते हैं। उन लोग सेंट्रल का नेता लोग पब्लिक का साथ नहीं मिसते, हम लोग पब्लिक का साथ बैठते हैं, पब्लिक के साथ उठते हैं। उन लोग का हम लोग जानते हैं उन लोग का मेंटल क्या है। उन लोग तो बोला कि हम लोग उज्ज्वला को वोट देंगे, हम लोग टीएमसी को वोट देंगे। कोई कोई तो बोल दिया मुका समय सेंट्रल के में मत बोलिए, जो सच है वही बोल रहे हैं, किंतु उज्ज्वला का सब कोई सपोर्ट नहीं। उन्होंने देखा जो दिल से टीएमसी किया और टीएमसी हार गए वो बहुत मायूस है, उसके लिए क्या मैसेज है? मायूस मत होइए कि मतलब क्या बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी ये लोग भी तो सब हार गया था, अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल इंदिरा गांधी भी हारा था एक दिन। हार जीत तो है ही, हार जीत तो है ही, तो मायूस मत होइए, हम खुद मायूस है, फिर भी हम अपना मन सख्त कर लिए कि चलिए हार जीत तो है ही, आज उसका तो काल हुआ, ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, आज आपका काल मेरा। और 10 साल करके सबको टाइम दे रहा है, ये नहीं नहीं है कि मोदी को 10 साल अकेले मिला, इसका पहले सोनिया गांधी भी 10 साल थी, ये इसको अटल बिहारी वाजपेयी को हरा के, बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी जैसा इंसान को हरा के। तो इसलिए ज़्यादा बीजेपी वालों को बोलेंगे ज़्यादा लफाइए मत, ज़्यादा उड़िए मत, और टीएमसी वालों को बोलेंगे मायूस मत होइए, डेमोक्रेसी है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ममता देखिए, गोटा देश में जो इतना बड़ा बड़ा हैवी वेट नेता है, हैवी वेट मतलब जो जो उच्च नेतृत्व है, लीडर है, सबको एक ना एक दिन हरा है, सबको ही कोई ना कोई हरा है, ठीक है। ममता बनर्जी फिर भी अच्छा, आज देखिए जो मध्य प्रदेश हरा है, बहुत जगह में बहुत स्टेट है जहाँ पूरा पूरी अगेंस्ट पार्टी साफ हो गया, पूरा पूरी कांग्रेस साफ हो गया, अगेंस्ट पार्टी साफ हो गया, 70 साल का पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्या हालत है उसका। फिर भी हम लोगों का वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सैनी का तरह लड़के 22 सीट लाया है, वो भी बीजेपी से ज़्यादा लाया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा गर्व की बात है, इसके लिए मैं अपना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और जो जो जीता है टीएमसी पार्टी से उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और जो जो टीएमसी पार्टी का हरा भी है उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि मायूस मत होइए, होइए, हम आप लोगों से नीचे ही है, हम उतना आप लोग जैसा बड़ा नेता नहीं है, बट मन का जोर बहुत है, मेंटली प्रिपेयर करके मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए बोल रहे हैं कि मायूस मत होइए, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जीतेंगे, टीएमसी पार्टी फिर जीतेगा। हमारा जो प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसका मुंह में जो मुझे हर टाइम दीदी का मतलब दीदी करता रहता है, दीदी का बात बोलते रहता है, यही बड़ा बात है। आज सबसे बड़ा हम लोगों के लिए गर्व का बात है, आज प्रधानमंत्री का कॉम्पिटेटर है हमारा दीदी ममता बनर्जी, जहाँ कांग्रेस मतलब एक आंचलिक पार्टी का नेत्री ममता बनर्जी हम लोगों का जो आज एक मतलब बीजेपी का जो नेता नरेंद्र मोदी का जो मतलब मुंह में रात दिन दिन रात भाषण में दीदी 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 करता रहता है, यही अमित शाह भी दीदी दीदी करता रहता है, यही सबसे बड़ा तो हम लोगों के लिए मतलब प्राउड का बात है कि ममता बनर्जी आज कितना दूर कितना लेवल पे चला गया। और बीजेपी का जो हैवी वेट नेता है, इतना दिन कांग्रेस सीपीएम का तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी का जो हैवी वेट नेता आज ममता बनर्जी का सपना देख के सोता है कि यह ममता बनर्जी उस रात दिन उन लोग का मुख में है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को हटाना है, यही उन लोग का मुख में है, किंतु नहीं पड़ेगा, दीदी हमारा शेरनी है, दीदी को हटाना इतना मुश्किल नहीं है, फिर वो दीदी फिर बैक हो जाएगा दीदी।